चैनल आदर्श फिटनेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ रजत शमशेरिया। आज के लिए वर्कआउट होने वाले बेसिकली लेग्स से वर्कआउट। सो लोअर बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट होती है वर्कआउट करने के लिए। सो हम इसको लास्ट में इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा मसल होता है जिस कारण इसको रिकवर होने के लिए भी आपको ज़्यादा टाइम लगता है। डेट्स बाय इसको हमने लास्ट में इसलिए किया है ताकि आपको एक दिन का रेस्ट मिल सके। एक दिन का रेस्ट के बाद अपना डे आफ्टर कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट वर्कआउट। तो लोअर बॉडी के लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट रखना है एज अ बिगनर। अगर आप बिगनर हैं तो आपको बेसिक्स एक्सरसाइज पे ही फोकस करना है। आपको एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटी या अदर वर्कआउट नहीं करना है, आपको सिर्फ बेसिक। अगर आपका बेसिक वर्कआउट सही है तो आपका बेस धीरे धीरे बनेगा। आपका बेस सही बनेगा तो आपकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग वर्कआउट चूज कर सकते हो और आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जितने भी बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं सबने स्टार्टिंग बेसिक से किया है और आज भी बेसिक्स ही कर रहे हैं, आगे भी बेसिक ही रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक वर्कआउट आपको पता होना चाहिए कि लेग्स का और शोल्डर को, बाइसेप का और जितने भी ओवरऑल बॉडी के वर्कआउट होते हैं आपको सबसे पहले बेसिक्स याद होने चाहिए बेसिक वर्कआउट क्या होता है। सेकेंड चीज़, पहला बेसिक वर्कआउट हो गया। दूसरा चीज़ हो गई कि आपको फॉर्म, हर एक्सरसाइज की फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए। आप ये नहीं है कि आप सिर्फ दिखाने के लिए हैवी वर्कआउट कर रहे हैं या मैं पहले दिन आके बिगनर्स एज अ बिगनर हैं तो आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका बेसिक्स करेक्ट होना चाहिए, आपकी फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए, तब आप धीरे धीरे डे बाय डे आप थोड़ा सा आपको रिजल्ट दिखना चालू होगा। और ये पेशेंस का गेम है, जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको पेशेंस रखना है, अपने वर्कआउट पर फोकस करना है, आपको बेसिक जो होते हैं वर्कआउट वो आपको फिक्स रखना है, सही रखना है, तब आप कंटिन्यू कर पाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज होने वाली है, सबसे पहले हमारी बारबेल स्क्वाट होने वाली है। सो आपको इसके तीन सेट लगाने 15 से 20 के। तो पहला जो सेट होगा, पहले आप खाली पास से वार्म अप के लिए ऐसा कर सकें जिससे कि आपकी फॉर्म करेक्ट हो जाए। फॉर्म करेक्ट, हमें बेसिकली फॉर्म का बहुत ध्यान देना है। अगर आप ऐसा बिगनर हैं तो आपको फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए। तो आपको उसके 3 सेट लगाने हैं, तो आप धीरे धीरे वेट इंक्रीज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने 5 लगाया 10 लगाया तो आप 2.5 से स्टार्ट करें, तो आप 5 कीजिए 7.5 कीजिए। आपकी फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए और आपकी प्रॉपर रेपुटेशन आनी चाहिए। तो आपको 3 सेट लगाने हैं, इसके 10 से 12 रेपुटेशन की डेढ़ सेट। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी एक्सरसाइज है और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। सो आप अपने सामने वाले जो कोर्स मसल होते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। तो आपको लेग प्रेस में आपको 3 सेट लगाने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन इनफ है। 15 भी लगा सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है इससे पूरा मसल टारगेट होता है। तो आप 10 to 15 रेप्स भी लगाएंगे तो इस बेटर। तो आप ट्राई कीजिए इसके 3 सेट लगाएं, 10 से 15 रेप्स भी लगा सकते हैं, 12 भी डिपेंड है। और धीरे धीरे वेट इंक्रीज करना है आपको धीरे धीरे। सो इसके भी आपको 3 सेट लगाने हैं। फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए आपकी। फॉर्म में जो होंगे आपकी जो नीज होगी, नीज की टेंशन होगी वो इस तरीके से होगी, तो जिससे कि आप जब लगाएं तो आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट आए, पूरा मसल स्ट्रेच हो पूरा। आपको जो नीज है उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट नहीं करना है, आपको स्ट्रेट नहीं करना, हल्का सा आर्च करके रखना है ताकि आपको लोड ना पड़े। आपकी जो नीज है पूरी तरीके से स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा आर्च करके रखना है जिससे आपको लोड ना पड़े। तीसरी एक्सरसाइज जो होने वाली है हमारी लेग लाइन कर्ल होने वाली है। तो आपको ये हैमस्ट्रिंग के लिए होती है बेसिकली एक्सरसाइज। तो आपको इसके भी 3 सेट लगाने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन, 15 भी लगा सकते हैं क्योंकि ये अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज है और आइसोलेशन एक्सरसाइज है। तो आप आराम से इजीली तीन सेट लगा सकते हैं, इसके 10 से 15 रेपिटेशन आनी चाहिए आपके।
इसके 10 से 15 रिपीटेशन लगाने हैं, 3 सेट लगाने, 4 सेट भी लगा सकते हैं आप। तो 10 से 15 रिपीटेशन वेट अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज होने वाली है वो काफ्स के लिए होने वाली है। तो काफ आपके यहाँ मशीन हो, मशीन अवेलेबल हो तो ठीक है। तो आप मेरे यहाँ मशीन अवेलेबल है जिम में, तो मैंने मशीन पे लगाया है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप खड़े होकर जो रैक स्क्वाट होता है, रैक मशीन होती है, स्मिथ मशीन पे भी आप खड़े होकर लगा सकते हैं। तो आपको इसके भी 3 से 4 सेट लगाने हैं, 10 से 12 रिपीटेशन के। वेट अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें रिपीटेशन 25 भी जा सकते हैं, 20 भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ। पर आपको बेसिकली 12 से 15 रिपीटेशन आपको लगाने ही है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। Till then, bye, take care, thank you.